ट्राई-सिटी चंडीगढ़ से अब केवल 130 किलोमीटर दूर लोगों को पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के रोमांच का आनंद मिल सकेगा। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला के कुटलैहड़ में इन दिनों खेलों के रोमांच के साथ पर्यटन के नए केंद्र के रूप में पर्यटकों के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों से आपको पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरने का मौका मिलेगा और सतलुज नदी के गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच भी मिलेगा। इसी के मद्देनजर यहाँ पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के सफल ट्रायल के बाद पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का आज शुभारंभ किया। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों खेलों के रोमांच से लबालब ऊना जिला के कुटलैहड़ को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में जल्दी लोगों को खोलने का और देखने का मौका मिलेगा। हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये स्थान चंडीगढ़ से लगभग 130 या 140 किलोमीटर और भाखड़ा डैम से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां शिवालिक की खूबसूरत पहाड़ियों से आपको पैराग्लाइडिंग की उड़ान भरने का मौका मिलेगा और सतलुज की गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स का रोमांच मिलेगा। इस स्थान पर पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स के सभी ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न भी हो चुके हैं। सभी सफल ट्रायल के बाद विशेषज्ञ टीम ने इस स्थान को पैराग्लाइडिंग और वाटर स्पोर्ट्स की दृष्टि से उचित होने की हरी झंडी भी दे दी है, जिसके बाद पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने यहाँ वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ किया। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से यहाँ पर्यटन को नए पंख लगने का दावा भी किया और परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अच्छी संख्या में लोगों को विभिन्न प्रकार से रोजगार मिलने का दावा भी किया। और कुटलैहड़ टूरिज्म के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन, क्या जिसकी कभी सोचा था आज उसकी विधिवत जो है शुरुआत हुई है। जो कुटलैहड़ के लोगों के सपने थे आज वो धरातल पर उतरे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज से यहाँ पर पर्यटक आएंगे, यहाँ की जो मनमोहक जो वादियाँ हैं उनका जो है आनंद लेंगे और साथ में यहाँ के लोगों को व्यवसाय मिलेगा, रोजगार के अनुसार हमने लेटर ऑफ अपना जो है वो जल्दी टेंडर्स नोट करने हैं और बड़ी जल्दी ही जो है वो और पार्टियाँ यहाँ पर आएंगी, जहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी होगी, पैरासेलिंग भी होगी, बहुत सारे और अन्य इवेंट्स हैं जो यहाँ पर किए जा सकते हैं। और पर्यटन की एक अपार संभावनाएँ हैं, ट्रैकिंग रूट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर आने वाले समय में कैंपिंग साइट्स जो है वो यहाँ पर डेवलप जो है वो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा आकर्षण जो है वो एक वीकेंड टूरिज्म के रूप में हमारा ये क्षेत्र जो है एक जब आप बड़े जल्दी हम इसको करेंगे, जल्दी बड़ा एक इवेंट करेंगे जिसमें राष्ट्रीय स्तर के लोग जो है वो यहाँ पर पार्टीज जो है वो यहाँ पर आए, और जल्दी हम वर्ल्ड वाचिंग के लिए भी हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि वो एक इवेंट यहाँ पर करवाएँ, मेला यहाँ पर करवाएँ, ताकि बाहर से जो है वो वाचर्स यहाँ पर आएँ, यहाँ के जो प्रवासी पक्षी हैं उनको जो है वो अपने कैमरे में कैद भी करें और उनका आनंद लें।